यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन इस सफाई को सुनिए, लड़कियों को ज्यादा बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र की काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। ये जनाब सपा के माननीय सांसद शफीकुर रहमान वर्क हैं, लेकिन इनकी भाषा दो टके के सड़क छाप लफंगे की तरह है। ये जनाब लड़कियों को आवारा बता रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये बयान है समाजवादी पार्टी का। ये बयान दिखाता है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को लेकर क्या सोचती है। जहां आजकल सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको आगे बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन ये सपाई अपनी तालिबानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये निकम्मे सपाई बच्चियों के बाल विवाह का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो सपा के इस सांसद महोदय को सुन लीजिए। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती। बच्चियों की एज जिस वक्त वो मैच्योर हो जाए और फर्टाइल एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। हद तो तब हो गई जब सपा के राष्ट्रीय नेता अबू आजमी ने इतना शर्मनाक बयान दे डाला कि कोई कभी सोच नहीं सकता। उसका बयान सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। खैर, ये तो बात हो गई मुलायम और चमचों की, लेकिन यूपी वासी जानते हैं कि अखिलेश और मुलायम का लड़कियों के प्रति क्या नजरिया है। अगर अखिलेश बबुआ जान महिलाओं के हितैषी होते तो गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को मंत्री नहीं बनाते, और उनके पिताजी महिलाओं के सच्चे हितैषी होते तो रेप करने वाले लड़कों का बचाव नहीं करते। लड़के हैं, गलती हो जाती है। याद रखना सपाइयों, न भूले हैं न माफ करेंगे।